दिल्ली के रामलीला मैदान में 31 मार्च को इंडिया की बड़ी रैली होनी है। लोकसभा चुनावों के ऐलान के बाद दूसरी बार इंडिया गठबंधन के नेता एक मंच पर दिखाई देंगे। इससे पहले 17 मार्च मुंबई में इंडिया की बड़ी रैली हुई थी, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी, और अब दिल्ली रैली के ऐलान से बीजेपी बैकफुट पर दिखाई दे रही है। तो क्यों इंडिया की दिल्ली रैली से डरी बीजेपी, देखिए ये रिपोर्ट। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज किए जाने के विरोध में 31 मार्च यानी रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन महारैली का आयोजन कर रहा है। इस रैली में इंडिया गठबंधन में शामिल लगभग सभी दलों के बड़े नेता शामिल होंगे। रैली में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, एनसीपी शरद गुट के अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना यूबीटी गुट के उद्धव ठाकरे, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव, टीएमसी नेता डेरेक ओब्रायन, नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी शामिल होंगे। इस रैली में इंडिया गठबंधन एकजुट होकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करेगा। इस बीच इंडिया गठबंधन की रैली को लेकर बीजेपी दबाव में दिखाई दे रही है। पार्टी को डर लग रहा है कि रैली से निकला संदेश पूरे देश में जाएगा, इंडिया गठबंधन की एकजुटता दिखाई देगी। ऐसे में दिल्ली पुलिस, जो केंद्र के ही अधीन है, उसने रैली की इजाजत तो दे दी है, लेकिन सिर्फ 20,000 लोगों के साथ रैली करने की अनुमति दी है। रैली की जानकारी देते हुए कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि यह कोई व्यक्ति विशेष की रैली नहीं है, इसलिए इसे लोकतंत्र बचाओ रैली कहा जा रहा है। रमेश ने कहा कि रैली में विपक्षी नेता बढ़ती कीमतें, 35 साल में सर्वाधिक बेरोजगारी दर, आर्थिक असमानता, सामाजिक ध्रुवीकरण और किसानों के खिलाफ अन्याय के मुद्दे उठाएंगे। उन्होंने कहा कि एक और प्रमुख मुद्दा जो उठाया जाएगा वह है केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के माध्यम से विपक्ष को निशाना बनाना। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि यह उस मानसिकता को दर्शाता है कि प्रधानमंत्री विपक्षी दलों को राजनीतिक और आर्थिक रूप से कमजोर करना चाहते हैं। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि इस रैली से गठबंधन के बीच एकजुटता और एकता का संदेश जाएगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।